अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। हम लोगों में से कुछ लोगों ने रोज़ा रखा हुआ था और कुछ बग़ैर रोज़े के थे। हम लोगों ने एक जगह पड़ाव डाला। उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बाज़ लोग अपने हाथ के ज़रिए धूप से बचाव कर रहे थे और पड़ाव डालते ही रोज़ेदार तो गिर गए और लेट गए, और जिनका रोज़ा नहीं था उन्होंने खड़े होकर खेमे लगाए और सवारियों को पानी पिलाया। इस पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा वो आज सारा सवाब ले गए हैं। हज़रत अबू कलाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लम के पास कुछ सहाबा एक सफ़र से वापस आकर अपने एक साथी की बड़ी तारीफ़ करने लगे। चुनांचे उन्होंने कहा कि हमने फलाना जैसा कोई आदमी कभी नहीं देखा। जब तक ये चलते रहते थे, कुरान पढ़ते थे, और जब हम किसी जगह पड़ाव डालते थे तो ये उतरते ही नमाज शुरू कर देते। आप सल्लम ने पूछा, उसके काम काज कौन करता था? और इसी तरह और भी बहुत से बातें पूछ ली, और ये भी पूछा कि उसके ऊँट या सवारी को चारा कौन डालता था। उन सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, हम ये सारे काम करते थे। आप सल्लम ने फरमाया, तुम सब उससे बेहतर हो। उसकी खिदमत करके तुमने उसके तमाम नेक आमालों का सवाब ले लिया है। हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उनके नाम के बारे में पूछा कि ये नाम किसने रखा है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अपने नाम के बारे में बताता हूँ। मेरा ये नाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने रखा था। मैंने पूछा, हुजूर सल्लम ने आपका नाम सफ़ीना क्यों रखा? उन्होंने फरमाया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एक दफ़ा सफ़र में तशरीफ़ ले गए और आपके साथ आपके सहाबा कराम अजमईन भी थे। सहाबा को अपना सामान बारी लग रहा था। हुजूर सल्लम ने मुझसे फरमाया, अपनी चादर बिछाओ। मैंने बिछा दी। हुजूर सल्लम ने उस चादर में सहाबा कराम का सामान बांध कर उसे मेरे ऊपर रख दिया और फरमाया, इसे उठा लो, तुम तो बस सफ़ीना यानी किश्ती ही हो। हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर उस दिन मेरे ऊपर एक या दो या पांच छः ऊँटों का भी बोझ रख दिया जाता तो वो मुझे भारी ना लगता। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत अहमद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग एक ग़ज़वा में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के साथ थे। एक नाले पर से हम लोगों का गुज़र हुआ तो मैं लोगों को वो नाला पार कराने लगा। उसे देखकर हुजूर सल्लम ने मुझसे फरमाया, तुम तो आज सफ़ीना यानी किश्ती बन गए हो। हज़रत मुजाहिद कहते हैं कि मैं एक सफ़र में हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ था। जब मैं सवारी पर सवार होने लगता तो वो मेरे पास आकर मेरी रिकाब पकड़ लेते, और जब मैं सवार हो जाता तो वो मेरे कपड़े ठीक कर देते। चुनांचे एक मर्तबा वो मेरे पास इसी काम के लिए आए तो मैंने कुछ नागवारी का इजहार किया तो उन्होंने फरमाया, ए मुजाहिद, तुम बड़े तंग इखलाक हो। हज़रत अबू अलदरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा रमज़ान में हम लोग हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के साथ सफ़र में थे। उस दिन सख्त गर्मी थी और सख्त गर्मी की वजह से बाज़ लोग अपने सरों पर अपने हाथ रखे हुए थे, और उस दिन सिर्फ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह ने रोज़ा रखा हुआ था। हज़रत अबू सईद खजरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग रमज़ान के महीने में हुजूर सल्लम के साथ ग़ज़वा में जाया करते थे तो हमारे कुछ साथी रोज़ा रख लेते और कुछ साथी ना रखते, तो ना रोज़ादार रोज़ा ना रखने वालों को
नाराज कर देते और ना रोज़ा ना रखने वाले रोज़ादारों को नाराज़ करते। सब ये समझते थे कि जो अपने में कुव्वत व हिम्मत समझता है उसने रोज़ा रख लिया और उसके लिए ऐसा करना ही ठीक है, और जो अपने में कमज़ोरी महसूस करता है उसने रोज़ा नहीं रखा उसने भी ठीक किया। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जंग यमामा के दिन हज़रत अब्दुल्ला बिन मखज़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया। वो ज़ख्मों से निडाल होकर ज़मीन पर पड़े हुए थे। मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया तो उन्होंने कहा, लकड़ी की इस डाल में पानी ले आओ ताकि मैं इससे रोज़ा खोल लूँ। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जंग यमामा के दिन हज़रत अब्दुल्ला बिन मखज़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया। वो ज़ख्मों से निडाल होकर ज़मीन पर पड़े हुए थे। मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया तो उन्होंने कहा, लकड़ी की इस डाल में पानी ले आओ ताकि मैं इससे रोज़ा खोलूँ। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं पानी लेने हौज़ पर गया। हौज़ पानी से भरा हुआ था। मेरे पास चमड़े की एक डाल थी। मैंने उसे निकाला और उसके ज़रिए हौज़ में से पानी निकाल कर हज़रत इब्ने मखरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लकड़ी वाले डाल में डाला, और फिर वो पानी लेकर मैं हज़रत मखज़मा के पास आया। आकर देखा तो उनका इंतकाल हो चुका था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत मदरक बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठा हुआ था कि इतने में हज़रत नौमान बिन मकरन का कासिद उनके पास आया। उनसे हज़रत उमर ने लोगों के बारे में पूछा तो उन्होंने शहीद होने वाले मुसलमानों का तज़किरा किया और यूँ कहा कि फ़लाना और फ़लाना शहीद हो गए, और बहुत से ऐसे लोग भी शहीद हुए जिनको हम नहीं जानते। इस पर हज़रत उमर ने फरमाया, लेकिन अल्लाह तो उनको जानता है। कासिद ने कहा कि उनमें से हज़रत औफ़ बिन अबी ने तो ख़ुद अपने आप को शहीद किया क्योंकि वो रोज़े से थे। हज़रत उमर ने फरमाया, ये लोग गलत कहते हैं। उसने दुनिया देकर आखिरत के आला दर्जात को ख़रीदा है, क्योंकि हज़रत औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस दिन रोज़े से थे और इसी हाल में ज़ख्मी हुए। अभी कुछ जान बाकी थी कि उन्हें मैदान जंग से उठा कर लाया गया, लेकिन उन्होंने पानी पीने से इनकार किया और यूं ही रोज़े की हालत में जान दे दी। हज़रत मोहम्मद बिन हनीफा कहते हैं कि हज़रत उमर अंसारी जंगी बदर और जंगी उहद में शरीक हुए थे। मैंने उनको एक मैदान जंग में देखा कि उन्होंने रोज़ा रखा हुआ है और प्यास से बेचैन हो रहे थे। उन्होंने अपने ग़ुलाम से कहा कि तेरा भला हो, मुझे डाल दे दो। ग़ुलाम ने उनको डाल दे दी। फिर उन्होंने तीर फेंका जिसे कमज़ोरी की वजह से ज़ोर से ना फेंक सके, लेकिन उन्होंने रोज़ा ना खोला और जंग में हिस्सा लिया। चुनांचे सूरज डूबने से पहले ही शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।